ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर जिला जज की अदालत में आज सुनवाई हुई, जहां रूल 110 को लेकर और मस्जिद परिसर में बंद तहखाने की दोबारा सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई हुई। तो वह हिंदू पक्ष की तरफ से सुलह पक्षकार बनने के लिए दिए गए आवेदन पत्र को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से बातचीत की हमारे संवाददाता अवेंद्र प्रताप सिंह ने, दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई हुई है और क्या क्या सुनवाई में हुआ, अगली तारीख कब पड़ी है, हम बात करेंगे सुभाष नंदन चतुर्वेदी से, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सुभाष जी, क्या क्या रहा है आज? मूलतः सुनवाई क्या है, आज आर्डर आया 110 पर, जो थर्ड पार्टी जो 16 लोगों ने दिया था, कुल मिला के आज सभी पक्षकारों को आज न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। किसी भी पक्षकार को, थर्ड पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। तीन लोगों पे सुनवाई पिछले जो 17 तारीख को हुआ था, उस पे सुनवाई पे निर्णय रिजर्व किया था न्यायालय ने, आज उस पे निर्णय आया और उन तीन बचे लोगों को भी पक्षकार न बनाए जाने का निर्णय न्यायालय ने लिया है। कुल मिला के जो 16 पक्षकारों का प्रार्थना पत्र पड़ा था, सभी पक्षकारों के प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसके अलावा जो सर्वे को आगे बढ़ाना है, 82 गह हम लोग का प्रार्थना पत्र पड़ा है, उस पर आपत्ति प्रति आपत्ति फिर आगे पड़ेगी। 2 तारीख को न्यायालय ने जो है सुनवाई के लिए डेट को निश्चित कर दिया है। जितने पक्षकार थे, अब सारा लोगों का निरस्त हो गया, तब कितने बचे? कोई अब कोई नहीं बचा, अब सारे पक्षकार केवल वादी और प्रतिवादी, 2 ही पक्षकार बचे हैं। ये जो हम लोगों का मूल है, जो प्रार्थना पत्र है, ये हम लोग बस है। और 110 पे जो नए पक्षकार बनाए जाने की मांग कर रहे थे, उनको खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया है उनके प्रार्थना पत्र को। सर्वे को लेकर आप लोग बार बार तहखाने जो बंद है, अभी खुले नहीं है, कई दीवाले जो है उसको लेकर मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आज कुछ आज उस पर सुनवाई नहीं हुई, अगली तारीख पे इस पर सुनवाई होगी। और ये प्रार्थना पत्र हम लोग का पड़ा है, मई का ही पड़ा हुआ है, उस पर आज सुनवाई नहीं हुई है। तो ये हमारे साथ थे हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, बताया है कि अब जो है 2/11 को फैसला सुनवाई होगी, अगली सुनवाई जो सर्वे है उसको लेकर अभी सुनवाई होगी, कि जो पक्षकार थे सारे पक्षकारों का आवेदन पत्र कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अवेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।